हॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को तगड़ा झटका लगा है और आने वाले दिनों में मुसीबतें भी बढ़ सकती हैं। गुटखा प्रचार मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन के खिलाफ एक नोटिस जारी किया है। ये नोटिस हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से जारी किया गया है। आपको बता दें, ये तीनों अभिनेता विमल गुटखा मसाला के विज्ञापन का प्रचार करते हैं। तीनों कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। हालांकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पहले से सुनवाई चल रही है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 9 मई 2024 तय की है। कोर्ट ने अगली सुनवाई में अग्रिम कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। केंद्र सरकार ने एक अवमानना याचिका का जवाब देते हुए इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ पीठ को सूचित किया कि उसने अभिनेता अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को गुटखा कंपनियों के लिए किए गए विज्ञापनों के संबंध में नोटिस जारी किया है। केंद्र के वकील ने बीते शुक्रवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय भी सुनवाई कर रहा है और ऐसे में तत्काल याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए। दलील सुनने के बाद पीठ ने इस मामले की सुनवाई 9 मई 2024 के लिए तय कर दी है। लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने पहले केंद्र सरकार को याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इसमें मूल रूप से तर्क दिया गया था कि उन अभिनेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्हें देश के हाई प्रोफाइल पुरस्कार दिए गए, लेकिन वे गुटखा कंपनियों के लिए विज्ञापन करते थे। पीठ को याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 22 अक्टूबर को सरकार को अभ्यावेदन दिया गया था, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को नोटिस जारी किया था। इंटर 24/7 लाइव टीवी के लिए डेस्क रिपोर्ट।